Hello everyone, my name is Sweetie Badhalia and welcome to SB Academy classes. तो आज का जो वीडियो लेक्चर है ये टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो लास्ट वीडियो लेक्चर रहेगा. इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्यूशन चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे. ठीक है, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ के. ठीक है, तो चलिए आज का लास्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं. हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है वेंटहॉफ फैक्टर. बट वेंटहॉफ फैक्टर पे जाने से पहले कुछ एक दो टर्म्स होती हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए. ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने क्या किया है. अभी तक हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी चार. पहली कौन सी थी, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर. फिर दूसरी क्या थी, ऑस्मोटिक प्रेशर. तीसरा क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. और चौथा क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो हम यहाँ पर क्या देख रहे थे, जो हमने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी. सबसे पहले तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वर्ड जो होता है, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज़ करा दूँ कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैंने आपको डेफिनेशन भी इसकी बताई थी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट्स पर डिपेंड करती हैं. जो किस पर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स पर डिपेंड करती हैं, जो इस पर डिपेंड नहीं करती कि नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या है. नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करेगी, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स पर डिपेंड करेगी. अब क्या होता है कि जो भी हमने जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पढ़ी थी, और साथ ही साथ जब हम वहाँ पर सॉल्यूट यूज़ करते थे, जो भी हमारी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी, कौन कौन सी थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है, दूसरी क्या थी, ऑस्मोटिक प्रेशर. ये ना आपको बहुत अच्छे से रटी हुई होनी चाहिए टिप्स पे. ठीक है, तीसरी क्या थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. और चौथी क्या थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ये था रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला. क्या था हमारा, ये था हमारा पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू काई बी. ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या था, पाई इज इक्वल टू सी आर टी. सी की जगह आप एन बाई वी भी रख सकते हो. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या था हमारा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इन टू में मोलालिटी. और फ्रीजिंग पॉइंट का क्या था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू में मोलालिटी. तो जो हमारी ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी, इसमें जो हम सॉल्यूट यूज़ करते थे, हमारा जो सॉल्यूट होता था वो होता था नॉन वोलाटाइल इन नेचर. क्या होता था, नॉन वोलाटाइल इन नेचर हम यूज़ करते थे, जो उड़ने वाला नहीं होता था. साथ ही साथ जो हम यहाँ पर सॉल्यूट यूज़ करते हैं वो हमारा क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है. वो हमारा क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट. नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो आयंस में टूट सकते हैं. तो जो हम यहाँ पर इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सॉल्यूट लेते थे वो नॉन वोलाटाइल इन नेचर होने के साथ साथ क्या होता था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता था, मतलब कि टूट नहीं सकता था. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या हो गया, यूरिया. हमारे पास क्या हो गया, ग्लूकोज. ठीक है, इस तरीके से सुक्रोज हो गया. तो इस तरीके के एग्जांपल्स जो होते हैं ये किस में आते हैं, ये आते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में. ये डीकम्पोज नहीं करते. अगर ये डीकम्पोज नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम एज इट इज़ इन फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं. बट अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक मिनट, बट मान लीजिए क्या है, अगर हमारे पास सॉल्यूट आ गया इलेक्ट्रोलाइट, अगर हमारे पास सॉल्यूट कैसा आ गया, हमारे पास सॉल्यूट आ गया इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट कैसा होता है, जो आयंस में डिसोसिएट हो सके.
आप चाहो तो डेफिनेशन भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंसेस विच कैन डिसोसिएट इनटू आयंस। ठीक है, फिर हमारे दो तरीके के होते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट आसान भाषा में सॉल्यूट अगर इलेक्ट्रोलाइट है और अगर वो आयंस में टूट सकता है, या ऐसा है कि आयंस जो है या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में जुड़ सकते हैं, तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, और वो क्या निकल कर आता है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। या तो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे या मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में टूट जाएंगे। और जब एसोसिएशन होगा, आपस में जुड़ेंगे, देखो दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें अगर जुड़ के एक बना रही हैं तो नंबर बदल गया, ठीक है। एक चीज़ है वो टूट के दो में चेंज हो गई तो भी नंबर बदल गया। तो जब भी नंबर बदलता है, जब भी नंबर बदलता है, तो जाहिर सी बात है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हमारी बदल जाएगी। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ़ सॉल्यूट पे, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, ठीक है, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो किसी भी वजह से अगर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मोल्स चेंज होंगे, और अगर मोल्स चेंज हो रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। तो जहाँ पे एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है, वहाँ पे हम नया फैक्टर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेंट हॉफ फैक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, वेंट हॉफ फैक्टर, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। वेंट हॉफ फैक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। और जहाँ कहीं पे भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा होता है, जहाँ कहीं पे भी इलेक्ट्रोलाइट्स टूट रहे होते हैं या जुड़ रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इन सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई से। तो ये भी आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या कहलाएंगी फिर, मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब सवाल ये आता है कि मैम आई जो है ये क्या करे, ये हम निकालें या हमें क्वेश्चन में मिलेगा। तो कुछ न्यूमेरिकल्स में हमें आई की वैल्यू गिवन मिलती है, जो डेसिमल्स में आ रहे हो, जो पॉइंट्स में आ रहे हो, बट जो हमारे पास कंप्लीट नंबर होता लाइक वन है, टू है, थ्री है, फोर है, वो हम क्वेश्चन से निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको आगे एसोसिएशन और डिसोसिएशन समझाती हूँ, ठीक है, बढ़े आगे। चलो अब आप हेडिंग डाल लो डिसोसिएशन। देखो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको कम टाइम में कितनी आसान तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि टाइम ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, और स्पेशली ट्वेल्थ क्लास के बच्चों का तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं टाइम वेस्ट करूँ। इसलिए मैं हमेशा कोशिश भी करती हूँ कि मैं अपने वीडियो लेक्चर्स बहुत लंबे लंबे ना बनाऊँ, क्योंकि एक तो आप लोगों के पास पेशेंस भी नहीं होते, प्लस में एक्चुअल में टाइम भी नहीं होता है, ठीक है। तो कम टाइम में जितना हम काम की बात टू द पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तो देखिए, अगर हम बात करें किसकी, डिसोसिएशन की, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, डिसोसिएशन की, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा है KCl। KCl एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है। ये एग्जांपल इतना सिंपल और आसान है कि आपको ये हर बुक में मिलता है। लाइक अगर आप प्रदीप खोलोगे, आपको सबसे पहले एग्जांपल डिसोसिएशन का KCl का ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो KCl अब एक इलेक्ट्रोलाइट है। अब क्या है कि ना, हम ऐसा मान के चल रहे थे कि भाई KCl जो है इसका एक मोल हमने ले लिया, हम ऐसा मान के चल रहे थे कि हमने इसका एक मोल ले लिया, और इसके एक मोल के हिसाब से कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी कहलाएगी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कि हमने ऐसा माना कि भाई क्या है ये, हमारे पास एक मोल है, और इस एक मोल के हिसाब से जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ना चाहते हैं उसकी वैल्यू ये आएगी, हमने अंदाज़ा लगा लिया। बट क्या हुआ कि वो जो KCl है, वो जब हमने उसको किसी सॉल्यूशन की फॉर्म में लिया, तो वो आयंस में टूट गया, आयंस में टूट गया, तो क्या हो गया, K प्लस अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया। अब अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो नेचर पर डिपेंड नहीं करती है,
उसे नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से फ़र्क कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक आयंस है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कभी भी नेचर पे, सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, नंबर ऑफ मोल्स पर, नंबर ऑफ एटम्स पर, किसके? सॉल्यूट के। तो अगर जो सॉल्यूट है वो आगे जाके आयंस में टूट रहा है, मतलब पहले एक था, एक स्पीशीज था, एक मॉलिक्यूल था, आगे जाके वो दो आयंस में स्प्लिट हो गया, तो नंबर जो है हमारा मोल्स का या पार्टिकल्स का वो क्या हो गया? एक्सपेक्टेशन से डबल हो गया है। तो अगर वो डबल हो गया है तो बताओ मुझे कि जब हमने ये मोल्स अगर चेंज कर दिए तो क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं चेंज होगी? बिल्कुल चेंज होगी। समझ में आया? तो इस तरीके से डिसोसिएशन की वजह से क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमको बदली हुई नज़र आती है। दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा होता है एसोसिएशन। दूसरा क्या होता है? एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? आपस में जुड़ना। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लें किसका? एसिटिक एसिड का। ये हमारा एसिटिक एसिड है। अब एसिटिक एसिड क्या करता है? एसिटिक एसिड आप आगे जाके दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं। एसिटिक एसिड में क्या होता है? दो मॉलिक्यूल्स आपस में जाके जुड़ जाते हैं। इसको आप एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक चैप्टर के अंदर भी पढ़ते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है? डाइमर बना लेता है। अब शुरू में हमने क्या किया था? शुरू में हमने एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल लिए थे और वो दो मॉलिक्यूल आगे जाके क्या कर रहे हैं? जुड़ रहे हैं और दो जुड़ के एक मॉलिक्यूल बड़ा सा बना रहे हैं। डाइमर बना लिया क्योंकि दो मॉलिक्यूल ने जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा था? एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड का मास निकाल लो। नंबर तो देखो बदल ही रहा है, यहाँ पे कितने थे? दो मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे जाके क्या हो गया? एक मॉलिक्यूल। नंबर तो बदल ही रहा है, नंबर बदलेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बदलेगी ही बदलेगी। साथ में आप देखो उनका मास भी बदल रहा है। जैसे कि एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का मास कितना होता है? कार्बन का कितना हो गया? 12, यहाँ पे 2 है, ठीक है 60 आएगा आई थिंक। और ऑक्सीजन का कितना है? 16 और 16 32, इसको क्लिक देते हैं 24 और 32, और यहाँ पे कितना हो गया? 3 और 1 4, इसको ऐड करके देख लो 36 है, 36 में 24 ऐड किया कितना आ गया? 60 आ गया। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि एक मॉलिक्यूल जो है उसका 60 का मास होगा, बट वो तो आगे जाके क्या कर रहा है? दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना रहा है, तो वो तो 60 का डबल हो गया। वो तो क्या शो करेगा? 120 का मास शो करेगा। तो मास अगर चेंज हो रहा है या आपके नंबर्स अगर चेंज हो रहे हैं तो मोल्स चेंज हो जाते हैं। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मोल्स जो होते हैं वो हमारा क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। आप मुझे खुद एक बात बताओ, जब मास चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखो इसका पूरे का एक कंप्लीट मास था, मोलर मॉलिक्यूल का मोलर मास, यहाँ पे वो आयंस में टूट गया, यहाँ पे क्या हो रहा है? मास स्प्लिट अप हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो मास एसोसिएट हो रहा है, जुड़ रहा है। तो एक्सपेक्टेशन से कम या ज़्यादा अगर मास आ रहा है, मास में अगर चेंज आ रहा है तो ऑटोमेटिकली मोल्स में चेंज आ रहा है, और अगर मोल्स में चेंज आ रहा है तो जाहिर सी बात है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी क्या आएगा? चेंज। तो आप इसको नंबर के रिस्पेक्ट में देख लो कि नंबर बदल रहा है, या आप इसको इस रिस्पेक्ट में देख लो कि मास बदल रहा है। तो कुछ ना कुछ बदलने से क्या हो रहा है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हमारी बदल रही है। और जो हम ऑब्जर्व करके चल रहे थे कि भाई ये हमारी कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी है, और जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो हमारी एक्सपेरिमेंट के बाद आई है वो हमारी सेम नहीं आ रही है, वो हमारी सेम नहीं आ रही है, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि हम ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स, ऐसे सॉल्यूट लेके चलते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स की फॉर्म में है, जो आपस में जुड़ सकते हैं या आपस में टूट सकते हैं, तो उस केस में हमें क्या चीज़ पढ़ना पड़ता है या क्या चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं? एबनॉर्मल मोलर मास। क्योंकि हमने यहाँ पे जो सोचा था कि ऐसा मास होगा, वैसा मास वहाँ पर नहीं होता। हमने सोचा था कि इतने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे, वहाँ पे उतने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स नहीं होते। या तो कुछ टूट जाते हैं, नंबर बढ़ जाएगा, या कुछ जुड़ जाएंगे, नंबर घट जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है? हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाती है। इसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल का मतलब ये वही है कि जो नॉर्मल ना हो। नॉर्मली हमने क्या सोचा था? आगे जब हम रिजल्ट देख रहे हैं तो कुछ और आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या दिया गया था? एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। वीडियो को पॉज करके से एक बार नोट करिए प्लीज।
ठीक है, तो अब तक हमने क्या चीज़ डिस्कस की, उसकी मैंने डेफिनेशन लिख दी है. When the molecular mass of a substance determined by studying any of the colligative property comes out to be different than the theoretical expected value, the substance is said to show abnormal molecular mass. कई बार क्या होता है कि जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे होते हैं कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ये आनी चाहिए, बट वो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या आती है, अगर अलग आती है तो पक्का पक्का जो उस सॉल्यूट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास शो कर रहा होगा. और कैसे करता है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन से, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब देखो क्या है, एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास जो है ये आपको किन केसेस में ऑब्जर्व करने को दिख सकता है. या तो आपका सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट ना हो. अभी अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो तब अच्छे से वर्क करती हैं जब आपका सॉल्यूशन क्या हो, डाइल्यूट. ठीक है, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूटेड कंडीशन में नहीं है तो आपको वेंट हॉफ फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ सकता है, आपको एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास देखने को मिल सकता है. अगर सॉल्यूट में एसोसिएशन हो रहा है तो भी एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास आएगा, अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो भी एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास आएगा. तो तीन केसेस में आपको एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास देखने को मिल सकते हैं, जब सॉल्यूशन डाइल्यूटेड ना हो, जब एसोसिएशन हुआ हो और जब डिसोसिएशन हुआ हो. ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए. ठीक है, तो फाइनली अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेंट हॉफ फैक्टर. वेंट हॉफ फैक्टर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको पढ़ने के तीन तरीके हैं, आप तीनों में से कोई सा भी पिक कर सकते हैं. जो भी आप पिक कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं. तो बेसिकली ये रेशो होता है. ठीक है, किस चीज़ का रेशो रहेगा, अगर मास के टर्म्स में लिख रहे हैं तो आप बोलोगे इट इज़ अ रेशो ऑफ नॉर्मल मॉलिकुलर मास टू द ऑब्जर्व्ड मॉलिकुलर मास. कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म्स में अगर आप इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं इट इज़ द रेशो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी. और अगर आप एसोसिएशन डिसोसिएशन की टर्म्स में बता रहे हैं तो आप आई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो भी है आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय शुरू में वो कितने थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन. तो मैं इस पर तो अभी थोड़ी देर में आती हूँ, उससे पहले ना हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हो सकता है आपको पेपर में कन्फ्यूजन हो जाए कि अरे मॉलिकुलर मास में नॉर्मल ऊपर था या ऑब्जर्व्ड नीचे था, कॉलीगेटिव में ऑब्जर्व्ड ऊपर था कैलकुलेटेड नीचे था, तो क्या था. सबसे पहले आप मास वाला याद कर लो कि नॉर्मल मास जो होगा वो ऊपर आएगा और ऑब्जर्व्ड वाला जो एसोसिएशन डिसोसिएशन वाला मास है वो नीचे आएगा. अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में ये फॉर्मूला जो है ये रिवर्स क्यों हो गया, जैसे इसमें ऑब्जर्व्ड नीचे इसमें ऑब्जर्व्ड ऊपर क्यों आ रहा है, क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास में इन्वर्स रिलेशन होता है. ठीक है, तो ये भी आपके पेपर में आ सकता है एमसीक्यू में कि जो भी हमारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का क्या रहता है, इन्वर्स रिलेशन रहता है किससे, मोलर मास से. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूँ ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, और सी क्या होता था हमारा, मोल्स बाय वॉल्यूम, है ना. कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम. वी को यहाँ ले जाओ या यहाँ पे भी रखना चाहते हो तो यहीं पे रख लो, ये हो गया. अब मोल्स का अगर मैं फॉर्मूला पुट करती हूँ तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि क्या है, मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो इस तरीके से आप कोई भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को उठा के देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज, वो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है जो कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, उसका क्या है, इन्वर्स रिलेशन है मोलर मास से. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. तो अगर आपने ऊपर वाला एक फॉर्मूला मास के टर्म्स में याद कर लिया कि भाई नॉर्मल मास ऊपर आता है ऑब्जर्व्ड मास नीचे आता है, तो अब देख लो मास का उल्टा हो जाएगा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी. यहाँ पे नॉर्मल मास ऊपर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नीचे हो जाएगी. ऑब्जर्व्ड मॉलिकुलर मास क्या है, यहाँ पे नीचे है तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड यहाँ पे ऊपर हो जाएगी. ठीक है, क्लियर है. अब इस पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये जो थर्ड फॉर्मूला मैंने लिखा है, जैसे मान लो NaCl है और NaCl आपका 100% डिसोसिएट हो गया और ये टूट गया आपका कैसे, Na+ में और Cl- में, ऐसे टूट गया है. तो अब देखो क्या है, शुरू में आप इसके कितने मोल लेते हो, 1, अभी ये बना नहीं है. फिर किसी टाइम पे आप कह रहे हो कि ये टूट गया है कम्प्लीटली और ये हमारे बन गए हैं 1, 1.
ठीक है। तो ये जो आई की वैल्यू आप निकालोगे, ये क्या निकालोगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के बाद इसने कितने दिए, एक ये दिया एक ये दिया, तो कितना आ गया टू। और नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन, टूटने से पहले हमने उसको शुरू में क्या लिया था, वन, तो इसके आई की वैल्यू क्या आ गई, टू आ गई। इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि एसिटिक एसिड मैंने डिस्कस किया था। एसिटिक एसिड में क्या था, हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए थे शुरू में, और फिर उन्होंने आगे जाके क्या किया था, डाइमर बनाया था, ठीक है। तो आई की वैल्यू निकालेंगे, तो एसोसिएशन के बाद वो कितना हो गया, जुड़ के एक बन गया था, पूरा एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बन गया था वन, और एसोसिएशन से पहले इसके कितने थे पार्टिकल टू, तो आई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, हाफ, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप वेंट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू निकाल सकते हो, और ये बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस होते हैं, आपको वन मार्क्स में देखने को बहुत आराम से मिल सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, और वेंट ऑफ फैक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। तो व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, व्हाट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो या डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो, दोनों को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री हमें ये बताता है कि कितने एक्सटेंट तक मॉलिक्यूल टूटा, कितने एक्सटेंट तक डिसोसिएशन हुआ, या कितने एक्सटेंट तक एसोसिएशन हुआ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमारे पास NaCl का एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे NaCl है, और NaCl मान लो 100% नहीं टूट रहा, जो मैंने पीछे एक एग्जांपल लिया था उसमें क्या था, वो 100% टूट रहा था। अब मान लो 100% नहीं टूट रहा, हो सकता है, जैसे NaCl कैसे टूटता है, एक मॉलिक्यूल जब टूटता है तो एक कैटायन और एक एनायन देता है, ठीक है। मान लो मैंने इसके 10 मॉलिक्यूल ले लिए, और 10 में से सिर्फ 4 ही टूट रहे हैं, शुरू में टाइम ज़ीरो पे जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी तो कोई भी कैटायन और एनायन नहीं बना, और फिर किसी टाइम टी पर मैंने कहा कि NaCl के 4 मॉलिक्यूल टूट गए। जब एक मॉलिक्यूल टूटता है NaCl का, तो एक Na+ देता है और एक Cl- देता है, ठीक है। दो टूटेंगे तो दो Na+ दो Cl- देंगे, और चार टूटेंगे तो चार Na+ और चार Cl- देंगे। तो चार अगर टूट रहे हैं यहाँ से, तो कितने बनेंगे Na+, चार बनेंगे, Cl- कितना बनेगा, चार बनेंगे, और यहाँ पे अब कितने बचे, शुरू में 10 लिए थे, है ना, 10 में से अगर चार टूट गए हैं तो कितने बचे, 6 बचे, समझ में आया। तो कितना टूट रहा है, दैट इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मुझे इसको डेरिवेशन के फॉर्म में करना हो, तो मैं इसको क्या मानूंगी कि मान लीजिए किसी टाइम ज़ीरो पे NaCl की वैल्यू थी 1, और Na+Cl- बना नहीं। अब क्या हुआ कि मैंने कहा कि इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स उसके टूटे हैं, जिसको मैंने अल्फ़ा मान लिया, तो जितने टूटे हैं उतने ही क्या बनेंगे, कैटायन और एनायन। चार टूटे थे तो चार Na+ चार Cl- बने थे, तो कितने टूटे हैं अगर मैं उसको मान रही हूँ अल्फ़ा, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ा Na+ बनेगा, अल्फ़ा Cl- बनेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना बचा, 1 - अल्फ़ा। 10 में से अगर 4 टूटे थे तो मैंने क्या किया था, 10 - 4 की 6 अब हमारे पास बचे हैं, तो कितने बचे हैं उसमें हम क्या करेंगे कि शुरू में कितने लिए थे और कितने टूट गए उसको माइनस कर दो, तो जितने बचे हैं वो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अब हम निकालते हैं आई। आई का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं किसके, आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन क्या है, 1 - अल्फ़ा, और इसका क्या है, अल्फ़ा, और इसका क्या है, अल्फ़ा। एंड बिफोर डिसोसिएशन, तो बिफोर डिसोसिएशन क्या था, 1, तो इस अल्फ़ा से एक अल्फ़ा यहाँ पे कट गया, ये क्या आ गया, आई इज इक्वल टू 1 + अल्फ़ा / 1, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा आई इंटू में 1, यानी कि आई आएगा इज इक्वल टू 1 + अल्फ़ा। जनरल एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास शुरू में एक मॉलिक्यूल था An, और बाद में जब वो टूटा, ठीक है, इक्विलिब्रियम का साइन यहाँ पर लगा लेते हैं, बाद में वो टूटा तो उसने n नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दी, हमें नहीं पता कि वो डिसोसिएट होकर 2 आयंस दे रहा है, 3 आयंस दे रहा है, 4 दे रहा है, तो हमने लिखा कि जो हमारा एक मॉलिक्यूल है वो नंबर ऑफ आयंस में स्प्लिट हो रहा है। तो टाइम ज़ीरो पे मान लीजिए उसकी वैल्यू हम ले रहे हैं 1, और ये क्या है, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई, उसने डिसोसिएट होना शुरू नहीं किया, तो ये क्या है, 0।
फिर उसके बाद किसी टाइम टी पे उसने जब इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया तो हम कह रहे हैं कि वो यहाँ से कम हो रहा है, और जितना वो यहाँ से कम हो रहा है उतना वहाँ पे वो बन रहा है, तो हमें नहीं पता कितना बन रहा है, तो हमने उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया एन से, एन विल बी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ आयंस। अगर हम आई निकालते हैं तो आई निकालने का फॉर्मूला क्या था, जो हमारे टोटल नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे आफ्टर डिसोसिएशन, तो वो रहेगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा डिवाइडेड बाय, शुरू में हमने कितना लिया था 1। अब हम क्या कर सकते हैं, इस यहाँ से हम अल्फ़ा कॉमन निकाल सकते हैं, इस 1 को यहाँ पर भेज दो तो ये आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस एन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। यहाँ से हम अल्फ़ा कॉमन निकाल सकते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा एन माइनस 1 अल्फ़ा, ठीक है। अब ये 1 को यहाँ भेज दीजिए, क्या बन जाएगा आई माइनस 1 इज इक्वल टू एन माइनस 1 अल्फ़ा, ये अल्फ़ा के साथ ये मल्टीप्लाई में यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, ये हमारा क्या आ गया अल्फ़ा। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि रिलेशन बताओ वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के, तो हम ये एक्सप्रेशन भी बता सकते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट में छोटी सी डेरिवेशन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो सॉल्यूशन चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए अगर एसोसिएशन हो रहा है तो उसको भी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ा से। तो हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था किसका, एसिटिक एसिड का। मैंने कहा था कि अगर हम दो एसिटिक एसिड ले लें तो दो एसिटिक एसिड आपस में जुड़ के क्या बना सकते हैं, डाइमर, और डाइमर बना के वो क्या बना लेते हैं, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ एसिटिक एसिड था वो बाद में जुड़ के एक ही हमारा क्या बना रहा है, मॉलिक्यूल बना रहा है, बड़ा सा लार्ज। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब ज़रूरी तो है नहीं कि हर जगह में डाइमर का ही केस देखने को मिलेगा, में ट्राइमर का केस भी देखने को मिल सकता है, टेट्रामर का भी केस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमारा 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, और वो बाद में आगे जाके जब एसोसिएट होंगे तो वो क्या बना लेंगे, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना लेंगे और आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, एट टाइम टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मान लीजिए हमने इसकी वैल्यू ली है 1 और अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई तो ये है 0। फिर किसी टाइम टी इक्विलिब्रियम पे हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में जुड़ रहे हैं, अगर वो जुड़ेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगी इनिशियल वैल्यू कम, और ये क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा बाय एन। अगर हम आई निकालेंगे तो आई क्या होता है कि आफ्टर एसोसिएशन कितने हैं, तो आफ्टर एसोसिएशन क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय एन, और इनिशियली हमने कितना लिया था, इनिशियली हमने लिया था 1। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आई इज़ इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय एन, ठीक है। आई को यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो ये बन गया अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय एन इज इक्वल टू 1 माइनस आई। यहाँ से अल्फ़ा कॉमन ले सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय एन इज इक्वल टू, अच्छा ये यहाँ आया है तो ये माइनस वाला प्लस का हो गया, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। फिर उसके बाद 1 माइनस आई, एलसीएम ले सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा एन माइनस 1 बाय एन इज इक्वल टू 1 माइनस आई। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आई अपॉन में एन माइनस 1 बाय एन, ठीक है। इसे हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आप इसको अगर ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस आई इंटू में एन अपॉन में एन माइनस 1, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसे एक बार नोट कर लीजिए,